Assalamu alaikum everyone. In the previous video we have learned about tail folding in the median plane. So today in this video we will learn about the folding in horizontal plane. अच्छा जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो जो कि हेड फोल्डिंग पे थी वो नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप लोग वो जाके वीडियो देखें, बिकॉज इन दैट वीडियो आई हैव टॉच यू अबाउट हाउ फोल्डिंग इज गोइंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स. मैंने वहाँ पे एक ब्रीफ एग्जाम्पल के थ्रू एक बताया था कि जो फोल्डिंग है वो डिफरेंट प्लेन्स में, मीडियन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस तरह हो रही होती है. तो ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बिकॉज जो यहाँ पे वीडियो बनी, जो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर दोज हु हैवंट एनी आइडिया अबाउट दी डिफरेंट प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल एंड मीडियन प्लेन. सो फर्स्ट गो वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू वॉच दिस फोल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो let's start the lecture. What is going on in horizontal plane folding? All you have to need to see is this diagram. अच्छा ये जो ये है ये median plane में है, folding median plane में show होगी कि किस तरह हो रही है horizontal plane में, लेकिन जो असल folding है वो ये cross sectionally आपको बताएगी कि किस तरह folding हो रही है. So all you need to see is this diagram, these diagrams. So what is the first step in folding in the horizontal plane? So first step is folding of sides of embryo produce right and left lateral folds, right and left lateral folds, lateral folds. Acha ab what factor causes or induces this lateral folding? Actually main yahan pe side pe likh raha hu ki lateral folding is induced by, lateral folding is induced by rapidly growing spinal cord and somites. Okay, अच्छा ये इंड्यूस करते हैं कि लेटरल फोल्ड, जब लेटरल फोल्ड्स बनते हैं, जैसे ये देखें ना, ये फ्रंट सेक्शन में बता रहा है ये लेटरल फोल्ड्स बने हैं एंड देन, और ये किसने बनाया, ये जो रैपिडली ग्रोइंग ये न्यूरल ट्यूब यानी जो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी और जो सोमाइट्स पड़े हैं, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये एक स्टिमुलस दे रहे हैं टू लेटरल फोल्ड, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल फोल्डिंग. सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज के द प्राइमोर्डिया of ventrolateral abdominal wall fold towards median plane rolling the edges of embryonic disc ventrally and forming a roughly cylindrical embryo. अच्छा इस पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं, तो आप अच्छा ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एम्ब्रियो, ठीक है, और इसका ये फ्रंटल पार्ट, ठीक है, अब इसका हमने क्रॉस सेक्शनल पार्ट लिया, यानी इसका हमने इस तरह हमने इसको क्रॉस सेक्शनली डिवाइड किया, तो हमारे पास एक इस तरह की एक वीडियो, एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है. अच्छा अब क्या हो रहा है कि जो लेटरल फोल्ड है ये लेटरल ही होगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर हमारे पास एमनियोटिक सैक पड़े और नीचे हमारे पास अम्ब्राइकल वेजिकल पर है, ठीक है. फॉर एग्जांपल तो क्या होगा, जब लेटरल फोल्ड्स बनेंगे, इस तरह फोल्डिंग हो रही है, जो पहली वीडियो में बताया था मैंने हेड फोल्डिंग वीडियो में कि इस तरह फोल्डिंग हो रही है, तो जब लेटरल फोल्ड्स बने हैं और इसका वेंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल कौन सी है, दिस इज द वेंट्रल पार्ट जो कि इस तरह शो हो रहा है वेंट्रली लेटरली अगर आप देखेंगे, और ऊपर से वाला हमारा डॉर्सल पार्ट है. जो वेंट्रली और वेंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल, वेंट्रोलेटरल्स abdominal wall, ठीक है, क्योंकि जो mid gut है उसने abdominal वाला side जो बनाना है, ठीक है. तो mid gut आप बताता हूँ क्या बनता है, the lateral folding of the ventrolateral abdominal, ventrolateral abdominal wall जो है वो जो है उसकी जो primordia है, the primordia of ventrolateral abdominal wall fold towards the median plane,
मीडियन प्लेन क्या था कि जो इंटू टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, ये टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन फोल्ड करे, मीडियन प्लेन इस तरह फोल्ड करता है ना, टू इक्वल हाफ, तो ये इस तरह फोल्ड करे, ठीक है, वाइल द क्रोनल सेक्शन डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर पोस्टीरियर इक्वल हाफ, ठीक है ना. सो दिस पॉइंट इज क्लियर्ड नाउ. नंबर द थर्ड स्टेप आफ्टर दिस, एज एब्डोमिनल वॉल इज formed part of endoderm of umbilical vesicle get incorporated in embryo as midgut, okay, which is primordia of small intestine. Primordia of small intestine. Okay. अच्छा, क्या हो रहा है? ये देखिए, अब lateral folds बने हमारे पास. ये lateral folds बने हमारे पास. अब lateral folds को किन स्टिमुलेट किया हमने पहले पढ़ा, किसने स्टिमुलेट किया कि जो रैपिडली ग्रोइंग स्पाइनल कॉर्ड सोमाइट्स थी ऊपर पड़े हुए हैं, इन्होंने स्टिमुलेट किया, lateral fold बने. lateral fold के बाद जो वेंट्रो लेटरल abdominal वॉल है, वो जो प्राइमोर्डिया वेंट्रो लेटरल abdominal वॉल अभी बनी नहीं है, मूव टुवर्ड्स द median प्लेन, median प्लेन की तरफ, ये median प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जी हमारे पास, कि वो बता रहा है कि एज abdominal वॉल इज फॉर्म्ड पार्ट ऑफ एंडोडर्म ऑफ द umbilical vesicle गेट इनकॉर्पोरेटेड. जो इन द हेड फोल्डिंग में जो मीडियम प्लेन में थी, उसमें जो इनकॉर्पोरेट हो रहा था एंडोडर्म, वो क्या बना रहा था, फोरगट, बाइल द पार्ट ऑफ एंडोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल दैट इनकॉर्पोरेट इन द कॉर्डल फोल्डिंग ड्यूरिंग कॉर्डल फोल्डिंग इन द मीडियम प्लेन इज फॉर्मिंग द हाइंड गट. सो सिमिलरली इन दिस केस, द पार्ट ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल ऑफ द एंडोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल दैट इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग लेटरल फोल्डिंग इन ऑफ एम्ब्रियो is forming the midgut. So this is forming the midgut. Okay. पहले तो ये fully divide नहीं होता, तो ये एक connection show कर रहा था umbilical vesicle के साथ, which is the umbilical direct duct, जो कि next step में आएगा. So this point is clear. Midgut form हो गया हमारे पास, ठीक है. अच्छा, next point में क्या बता रहा है, fourth point क्या है, कि initially there is connection, वो जो अभी बात कर रहा था मैं, initially there is connection between midgut and umbilical vesicle. जब folding हो रही है ना, जैसे कि folding हो रही है, तो initially अभी properly full division नहीं हुई, partial connection develop हुआ है, ये midgut ऊपर वाला और ये umbilical vesicle. So this connection between midgut and umbilical vesicle is which after lateral folding is reduced to form umbilo-enteric duct. Umbilo-enteric duct. Okay. So ये umbilo-enteric duct ये reduce होके umbilo-enteric duct बन गई है. Okay. अच्छा, number five क्या था, कि इसके बाद point क्या था, umbilical cord is formed from the connecting stalk. Okay. So the umbilical cord is formed from connecting stalk. ये point तो easy peasy है, connecting stalk. अच्छा, connecting stalk. Number six point ये ना, आप additional point अब इसको mark कर लें, इसमें horizontal folding में आप ना भी लिखें तो चलेगा. अच्छा, फिर क्या है, ड्यू टू लेटरल फोल्डिंग द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू लेटरल फोल्डिंग द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा embryonic coelomic cavity reduces to a narrow communication.
अच्छा इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फोल्डिंग द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, अच्छा ये हमारे पास पड़ी हुई है इंट्रा मेरिंगसुलम और ये पड़ी है हमारे पास एक्स्ट्रा मेरिंगसुलम। अच्छा जब पहले फोल्डिंग नहीं हुई थी तो कनेक्शन प्रॉपरली था इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, इंट्रा मेरिंगसुलम ये और एक्स्ट्रा मेरिंगसुलम में, लेकिन जैसे ही फोल्डिंग ड्यूरिंग लेटरल फोल्डिंग हो गई है द कम्युनिकेशन बिटवीन इंट्रा मेरिंगसुलम एंड द एक्स्ट्रा मेरिंगसुलम गेट्स रिड्यूस्ड टू अ नैरो कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम कम्युनिकेशन होगी। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द लेटरल फोल्डिंग। क्या क्या बना हमारे पास, मेडगट एम्फेलेंटाइट डक्ट और जो कनेक्शन था इंट्राम्ब्रियोनिक सिलोम का और एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक सिलोम का वो रिड्यूस होकर नैरो रह गया। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन फोल्डिंग। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी रिक्वेस्ट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।